दोस्तों यूपीएससी एनडीए के जो एग्जामिनेशन हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके थे लेकिन अभी दोबारा से ये लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं, तो यूपीएससी एनडीए के जो एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दोबारा से एक्टिवेट क्यों किए गए हैं, ठीक है। और लास्ट डेट अभी 29 जून कर दी गई है, यानी 29th of June 2021 तक आप अपने जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। ये सारा मामला क्या है उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेंटर और स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। देखिए अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यूपीएससी एनडीए के जो एग्जामिनेशन है उसके एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से क्यों शुरू हो गए और उसमें आपको क्या क्या फिल करना है। देखिए मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि यूपीएससी एनडीए और एनए एग्जामिनेशन सेकंड जो 2021 के जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है। यानी पहले जो एग्जामिनेशन होने वाली थी वो 5 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन कल एक प्रेस नोट जारी किया यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23rd of June 2021 ये कल अपलोड किया गया है। इसमें ये प्रेस नोट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए डाउनलोड कर रखा है मैंने। यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्ज़ाम 5 सितंबर को होने वाला था, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, वो अभी रीशेड्यूल करके और 14 नवंबर को कर दिया गया। एंड ऑप्शन टू चेंज द सेंटर, देखिए और एक ऑप्शन और दे दिया गया, क्या कि आप अपना जो सेंटर है उसको चेंज कर सकते हैं। ये कल के प्रेस नोट में दिया गया था और यहाँ पे लिख भी रखा है विच विल बी अवेलेबल टिल द लास्ट डेट, दैट मीन 29th of June 2021 6 PM तक ये जो लिंक है ये एक्टिवेट रहेगा। अब देखो यूपीएससी का ये जो पेज है ये मैंने यहाँ पे खोल लिया है जहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन किया जाता है, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। आप क्या करना है आपको, अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है इफ़ यू डिजायर टू चेंज यूर सेंटर प्लीज़ गो या क्लिक सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपको अगर इस पेज पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देने वाला हूँ, वहाँ पे जा करके आप इस पेज पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अगर आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो सेकंड रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्म पहले फिल किया हुआ है उसके रजिस्टर्ड आईडी यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसके बाद जो ये कैप्चा दिया गया है इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप आसानी से अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है।